तो यहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल को ही फर्दर थोड़ा सा कॉन्टिन्यूएशन करते हैं। ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी सुन लो। एनसीईआरटी पे पेज नंबर 64 पे ये टॉपिक नंबर 3.1 है। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एट 3.1। इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे हम लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके थे कि ई नॉट सेल जो होता है, ये फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, इट इज ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है, प्लस आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0.34 वोल्ट होता है, और जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.76 वोल्ट होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम इसका ईएमएफ फिक्स होता है। हाँ, ये ई नॉट वैल्यूज आर फिक्स। ई नॉट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ ई नॉट सेल, ई नॉट रिडक्शन। ओके, अब ई नॉट रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हो रहा है आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है किसका? कॉपर का। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। तो रिडक्शन रिडक्शन वैल्यू हम कॉपर की लेंगे, और ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक, तो ऑक्सीडेशन वैल्यू जिंक की लेंगे। तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो 1.10 वोल्ट का होगा। तो यहां तक पूरी कहानी हमको समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और ये पूरा पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब जो इसमें हमें ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है कि सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में करंट अप्लाई कर रहा हूँ। अपोजिट मतलब अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो जिंक से कॉपर की साइड है, मैं रेड सॉरी ये ग्रीन मार्कर से फ्लो दिखा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन। तो सपोज अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ 1.10 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा, तो नेट पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है? 1.10 वोल्ट। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ सपोज 0.50 वोल्ट। ये मैं एक्सटर्नल बैटरी लगा के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब एक्सटर्नल बैटरी लगा के हमने पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो क्या हुआ, करंट का फ्लो थोड़ा सा कम हो गया, जो नॉर्मल करंट का फ्लो। आप समझ भी रहे हो क्यों? क्योंकि वो अपोज कर रहा है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद, तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अगर किसी को नहीं समझ आया तो मुझसे अभी भी पूछ ले कि व्हेन एन एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड, जब एक एक्सटर्नल पोटेंशियल हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, देन फ्लो ऑफ करंट डिक्रीजेस। तो जो करंट का फ्लो होता है डिक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि एक पोटेंशियल है जो उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, अब आप में से मुझे कोई आंसर बताएगा, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में सपोज मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया 1.10 वोल्ट का, ठीक है, तो व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ 1.10 वोल्ट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कोई बताएगा करंट फ्लो के साथ क्या होगा? बताए नहीं होगा। हाँ, देन फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, देन फ्लो ऑफ करंट स्टॉप। तो जो करंट का फ्लो है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर मैंने ऊपर बनाया है, तो वो जो गैल्वेनोमीटर में मैंने डिफ्लेक्शन दिखाया है, अब वो डिफ्लेक्शन नल हो जाएगा। नल डिफ्लेक्शन जब तो आप फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो जो गैल्वेनोमीटर है वो कैसा होगा? लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज डिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन अ पोटेंशियल, सर ये एक्सटर्नल पोटेंशियल वो, हाँ बोलो बोलो बोलो, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है सर? एक्सटर्नल पोटेंशियल है कि मैंने बाहर से एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक बैटरी लगा दी है, मतलब कि करंट पहले से ही फ्लो कर रहा है। नहीं, अगर जिंक और कॉपर को जैसे हमने कनेक्ट किया था, तो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने से ये गैल्वेनिक सेल है, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करने लग गया अपने आप। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है। ठीक है, और वो जो एक्सटर्नल बैटरी है, रुको मैं इसको
मैं तुम्हें मतलब एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कैसे हुआ है ये. तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल टर्मिनल्स चेंज कर दिए, हाँ, तो एक्सटर्नल बैटरी लगा के जब एक अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई किया ना मैंने, तो फिर उसको वो किया क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके चेक किया. ठीक है, तो मैं इसको अगले पेज पे समझाता हूँ जरा, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही है. देखो जरा डायग्राम बिल्कुल वैसे का वैसा है, क्लियर है? तो डायग्राम तो सेम है, क्लियर है? डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, मतलब मैं इसे थोड़ा सा अब देखो. अब इस डायग्राम में जो चेंज है वो क्या है कि जो ये करंट लग रहा था, मतलब ये जो वायर हमने कनेक्ट की हुई ना, ये वायर हमने तोड़ दिया. क्लियर है? ओके. और अब इस वायर को हमने क्या किया है, इस वायर को हमने एक एक्सटर्नल बैटरी से लगा दिया. क्लियर है? तो जो एक्सटर्नल बैटरी है वो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वो ऐसे एक रेसिस्टेंस टाइप से शो करेगा कि मान लो यहाँ पे एक वायर है इस टाइप से, और जो रियोस्टेट यूज होता है लैब में, देखा है रियोस्टेट? चलो मैं, कोई नहीं, मैं एग्जैक्ट डायग्राम ही बना देता हूँ आपको. तो यू कैन से एक एक्सटर्नल पता है पर सर, हाँ हाँ, बस इन्होंने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है. और अभी हम तीन केसेस लेंगे उधर एक्सटर्नल, ये लाइन सही नहीं बनी है, एक मिनट रुको बस. तो वी जस्ट यूज एन एक्सटर्नल बैटरी. और बस अब फर्क क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो वायर डायरेक्टली कनेक्टेड थी, अब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, अब बीच में एक बैटरी आ गई है. ठीक है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना रखा है, यू कैन से रेसिस्टेंस लाइक दिस. और वो रेसिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, आप जब लैब में जाएंगे तो ये वाला डायग्राम और ढंग से समझ जाएंगे. और अब मैं क्या करूंगा, ये जो वायर ये वाली है जिंक साइड से, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर से शो कर देता हूँ. अब मैं इस वायर को जैसे जैसे स्लाइड करूंगा इस पे, वैसे वैसे क्या होगा, रेसिस्टेंस चेंज होता जाएगा. तो पहले जो मैंने केस वन लिया था उसमें मैं पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ 1.1 वोल्ट से कम. ठीक है, तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने अब बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए वैल्यू कितनी ली है, 0.5 वोल्ट. तो जब ये वैल्यू अप्लाई कर रहे थे तो फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया, स्टॉप हो गया, स्टॉप नहीं हुआ, कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, लेस. बोलो, क्लियर है चीज, समझ रहे हो इस बात? ठीक है, आप कंपेयर करने के लिए दोनों डायग्राम देख लो, यहाँ पे सर्किट सीधा जुड़ा हुआ है और इधर ये जो सर्किट है वो एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट हो गया. तो दैट इज अवर केस वन, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये देखो कि केस वन क्या है हमारा, व्हेन, दिस इज केस वन, व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड देन फ्लो ऑफ करंट डिक्रीज. तो इसमें जो लाइन ध्यान रखनी है वो क्या है, जो एक्सटर्नली पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ई एक्सटर्नल, ये क्या होगा, 1.1 वोल्ट से कम होगा. फिर केस टू, जब हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है किसके इक्वल, 1.10 वोल्ट के, तो उस टाइम पे फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप. नाउ केस थ्री, तो इसी को आप देखो कि अगर इसी में हम केस थ्री देखते हैं तो केस थ्री क्या बनता है हमारा, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन, जब हम एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा. क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि आपको ये तो क्लियर है कि करंट तो अब फ्लो होने वाला नहीं है, करंट का फ्लो तो 1.1 जब बराबर हुआ था तभी रुक गया था, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा. देन इट बिकम्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनने का मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें चेंज होने लगेगी, केमिकल एनर्जी में. Means you can say सब कुछ रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स मतलब देखो जरा स्क्रीन पे ही ध्यान से, रिवर्स मतलब जो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था वो क्या होने लगेगा, रिड्यूस. कॉपर जो रिड्यूस हो रहा था वो क्या होने लगेगा, ऑक्सीडाइज. तो यू कैन से टोटल एनर्जी कन्वर्टेड इन टू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इन केमिकल एनर्जी. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पता है, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है और ये आपका मेंस, नीट, सीबीएसई सब में पूछा जाता है. तो आप इस पर जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन वैसे नीट और मेंस में ज्यादा आता है. ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे कि कैन अ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल,
a galvanic or voltaic cell can be converted into, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? तो यस, क्या होगा आंसर? यस वी कैन. ठीक है, यस, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल. ठीक है, जिसमें एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. तो यू कैन से इट शुड बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल को हम हमेशा क्या बोलते हैं? ई नॉट सेल. तो यू कैन से कि व्हेन ई सेल, जो एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा. दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लेना इस कंडीशन. ठीक है, समझ आए? ये कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है इसका. क्लियर है? आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए इसके? yes. लास्ट इक्वेशन पे तो मुझे आपने दूसरे भेजे थे. नहीं सर, वो वाले नहीं. ठीक है, चलो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ उसके न्यूमेरिकल्स की. ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं. अपने आपको म्यूट कर लो सभी. तो सॉल्ट एग्जांपल अगर हम ट्राई करते हैं, तो ये है एनसीईआरटी एग्जांपल 3.1. That is your NCRT. तो इस एग्जाम्पल में वो आपको एक रिएक्शन दे रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड सिल्वर आयन से रिएक्ट कर रहा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर. वो मैग्नीशियम आयन फॉर्म कर रहा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 मोलर और सिल्वर सॉलिड. इट फॉर्म सिल्वर सॉलिड. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट ई सेल. क्या कैलकुलेट करना है? E सेल कैलकुलेट करना. इफ E नॉट सेल, आपको क्वेश्चन में मेंशन है, इफ E नॉट सेल इज 3.17 वोल्ट, तो इन दिस केस आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लर्न नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, क्या याद होना चाहिए आपको? नर्स्ट इक्वेशन लर्न होना चाहिए. ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 by n log QC. QC is reaction quotient. तो आप यहां से लिख सकते हो E. अब क्योंकि ये पूरा reaction है, तो we can write E cell also. E cell is EMF at any concentration. E naught cell is EMF at 1 molar concentration minus, इसको थोड़ा सा और round off कर देते हैं, 0.06. What is the value of n? N is number of electrons transferred. तो इस screen पे देखना, मैग्नीशियम जीरो से, मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ, प्लस टू में जा रहा है. तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? इलेक्ट्रॉन लॉस 2. और सिल्वर जो है वो प्लस 1 से 0 में जा रहा है. तो एक सिल्वर प्लस 1 से 1 में जा रहा है, तो दो सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 2. तो व्हाट इज एन? एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है? 2 है. लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. जब हम 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे, तो या तो हम ऐसे भी समझ सकते हो कि प्योर सॉलिड लिक्विड की कंसेंट्रेशन 1 लेते हैं, या ये भी कह सकते हो इग्नोर कर देते हैं. तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+, जो कॉफिशियंट है 2Ag+ का, वो पावर में आ जाएगा. अब यहाँ पे बाकी सॉलिड है, उसे हम इग्नोर कर देंगे. तो जस्ट सॉल्व इट, 3.17 माइनस 0.03 लॉग Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.130 और Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन है, इसको सीधे 10 रेज टू पावर क्या लिख देते हैं? माइनस 1234 का स्क्वायर. क्लियर है? तो जस्ट अब आपको लॉग देख के इसको सॉल्व करना है. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3.17 माइनस, मैं सीधे इसका कैलकुलेशन करके सीधे आंसर ही बता देता हूँ आपको, 0.21 आ जाएगा सॉल्व करके, माइनस 0.21, एंड नेट आंसर इज 2.96 वोल्ट. क्लियर है सभी को? नाउ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल एट इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल
एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर क्या होगा? जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बराबर। तो वो बराबर होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और क्या कहते हैं, बोर्ड में लॉग टेबल आपको मिलता है, तो बोर्ड में भी लॉग टेबल मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल एट इक्विलिब्रियम? जीरो। तो पीयूष, तुमने मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या जो ये सेल है, जो ये बैटरी है, ये पूरी जिंदगी काम करती रहेगी जब तक जिंक की कंसंट्रेशन खत्म नहीं हो जाएगी? और मैंने बोला था मैं इसका आंसर बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बैटरी तब तक चलेगी तब तक जिंक है, ऐसा नहीं है। बैटरी तब तक चलेगी जब तक प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो मतलब क्यूसी, ये ग्रीन मार्कर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जब क्यूसी वन हो जाएगा। तो आप एग्री हो, क्यूसी वन होते ही लॉग वन जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही वैल्यू क्या होगी? बराबर हो जाएगी। तो ई सेल उस केस में दोनों का ईएमएफ क्या हो जाएगा? बराबर। तो यू कैन से कि रिएक्शन क्या है जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, मैं ज्यादा करेक्ट ही करूंगा, वन कहने की बजाय वन गलत बोला मैंने, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का ईएमएफ बराबर हो जाएगा और ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो। तो फ्लो ऑफ करंट उस केस में क्या हो जाता है? स्टॉप। तो जैसे तुम्हारा ये क्वेश्चन था कि रिएक्शन क्या एंड तक जाएगी, तो रिएक्शन कब तक जाएगी? करंट गैल्वेनिक सेल वर्क टिल रिएक्शन कोशेंट अचीव, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? क्यूसी। रिएक्शन कोशेंट अपने केमिकल इक्विलिब्रियम 11 चैप्टर में पढ़ा है कि रिएक्शन कोशेंट होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट एनी पॉइंट, चाहे रिएक्शन कहीं पे भी होती है वो क्यूसी होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है रिएक्शन, रिएक्शन कोशेंट रीचेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जाती है तो ई सेल क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है, तो करंट फ्लो नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ठीक है? तो यहां से आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? यू कैन से व्हेन QC becomes KC, then E cell is equal to zero. तो जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन होता है, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by N log QC, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? Zero equal to E naught cell minus 0.0591 by n log kc, और यू कैन से ये फॉर्मूला सभी को याद रखना है, इट इज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बीच का रिलेशन है। तो दिस फॉर्मूला शुड बी लर्न, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 by n log kc, मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया एनसीईआरटी का 3.1 क्वेश्चन, इसी में बोलूं फाइंड, आपको ई नॉट सेल मेंशन था, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यस यू कैन फाइंड, ठीक है? तो अगर मैं बोल रहा हूँ ई नॉट सेल आपको पता है कि 3.17 वोल्ट है, तो 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू लॉग के सी, बस आपको एंटी लॉग देख के यू कैन फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एक और पॉइंट यहीं पर डिस्कस करते हैं, फिर जब नर्स्ट इक्वेशन बिगिनिंग में हमने आपको पढ़ाया तो वहां पे हमने आपको ये इक्वेशन लिखवाई थी कि जो बिगिनिंग हुआ है नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन वो किससे हुआ है? देखो इसे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूसी। तो ये जो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 2.303 आरटी लॉग क्यूसी, तो इसी इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम पे वैल्यू क्या हो जा रही है? जीरो। तो हम लिख रहे हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी log QC। अब आपको पता है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाएगा, मतलब यू कैन से व्हेन QC इज इक्वल टू KC देन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रहे डेल्टा G जीरो होगा, डेल्टा G नॉट जीरो नहीं होगा, बच्चा ये बड़ी गलती करता है, डेल्टा G नॉट कभी जीरो नहीं होता, ठीक है? डेल्टा G ही क्या होगा? जीरो। अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी?
this above equation will be delta g naught equal to minus 2.303 rt log kc. तो लर्न दिस इक्वेशन ऑल्सो, इस इक्वेशन को भी हमें याद करना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब एक और फॉर्मूला होता है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. और ई नॉट सेल की जो वैल्यू है ये हम यहां से इधर रख देंगे. ठीक है, तो जब इस वैल्यू को हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ 0.0591 जो है वो किसको सॉल्व करके आया था 2.303 आरटी बाय एफ को. तो वैल्यू रख दिया हमने और ई नॉट सेल, सॉरी ये ई नॉट सेल को सब्स्टिट्यूट हो गया तो लॉग के सी. तो आप देखो जो ऊपर वाला फॉर्मूला है आप इस वाले तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं. यहाँ से एन एफ कैंसिल हो गया तो वी गेट अगेन डेल्टा जी नॉट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी. क्योंकि अभी क्या है कि आप ऑनलाइन स्टडीज ज्यादा कर रहे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पर डिफरेंट तरीके से डेरिवेशन है, तो आप जैसे मैंने ऊपर करा है वैसे भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं. फॉर्मूला एक ही है इस चैप्टर में, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें बस. ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन सा फॉर्मूला अभी जो है इम्पोर्टेंट पढ़ा है, एक तो ये डेल्टा जी नॉट इज 2.303 आरटी लॉग केसी, फिर ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग केसी, और ये कंडीशन कि व्हेन अ गैल्वेनिक सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये तीन कंडीशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या करेंगे कि ई नॉट सेल की वैल्यू देंगे और आपसे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, लेट डिस्कस अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. कि आपको गिवन है कि जिंक सॉलिड कॉपर 2+ से रिएक्ट कर रहे हैं एंड इट गिव्स यू Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल गिवन है आपको 1.1 वोल्ट. अब आपसे क्वेश्चन में वो बोल रहा है कैलकुलेट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और ऐसे भी बोल सकता है इसको, और कैलकुलेट यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल और मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम. तो अब आपको पता है कि ये डेफिनेशन है, गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है. अगर वो मैक्सिमम या यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम पूछ रहा हो तो स्टिल इसका यही मीनिंग है कि वो आपसे एनर्जी ही पूछ रहा है. तो बाय डेफिनेशन मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम इज नथिंग बट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने 11th क्लास में इक्वेशन पढ़ा था, तो ये इक्वेशन मैं दोबारा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ. डेफिनेशन 11th में जो थर्मो में पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है डिक्री, इट इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डिक्रीज इन हूज वैल्यू, डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन लगा देता हूँ मैं, गिव मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम और यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम. तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म इसको क्वेश्चन को कर सकते हो. कैसे, हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट से. तो इस इक्वेशन में जिंक प्लस कॉपर वाली जो इक्वेशन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने हैं 2, तो एन का वैल्यू हो गया 2, फेराडे इज 96500 एंड ई नॉट इज 1.1. तो जस्ट इसे आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं इजिली. तो इसका आंसर आ जाएगा -21227, मैंने कैलकुलेटर से फटाफट करके बता देता हूँ, जूल पर मोल, आप इसे किलो जूल में ले सकते. बट इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन निकालो और तब अगर आप इस क्वेश्चन को कराए तो एक नंबर कम मिलेगा, हो सकता है हाफ मिले या 1, मार्किंग स्कीम ऑफ सीबीएसई डिपेंड करो. अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि डेल्टा जी नॉट इज माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट इज वर्क मैक्सिमम. मतलब अगर आपसे बोला जाए कि वर्क मैक्सिमम निकालिए तो इट इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट, मीन्स माइनस ऑफ -21227. तो व्हाट इज योर आंसर, तो देखा जाए तो जस्ट साइन का डिफरेंस है. यूनिट जरूर लिखना, जूल पर मोल, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
नथिंग एल्स. तो वर्क डन पूछा है तो आंसर शुड बी पॉजिटिव, और अगर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछा है तो आंसर शुड बी नेगेटिव. आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स, ये जो क्वेश्चन अभी हमने हम किया है, दिस इज योर एनसीईआरटी 3.3. ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, 3.3 है. अब मैं एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट 3.4 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ. तो एनसीईआरटी में 3.4 क्वेश्चन आप इन टेक्स्ट का देख लेना. तो एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट 3.4 है, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड. मैं आपको बोलूंगा इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लेना. ठीक है. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इफ, अगर जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना है, 10 है. इफ सॉल्यूशन हैज पीएच 10. ठीक है. नाउ अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, सॉल्यूशन देखो इसका. तो क्योंकि एनसीईआरटी का तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है. राइट रिएक्शन इन ऑलवेज इन रिडक्शन फॉर्म. हमेशा आप किस फॉर्म में लिखोगे, रिडक्शन की फॉर्म में. तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स यू H2. बैलेंस करते हैं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स H2. इंपॉर्टेंट चीज कि इनका स्टेट क्या है, एक एक्वस है और ये गैस है. तो नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं. तो नर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू E = E0 माइनस 0.0591 बाय n log QC. अब मैं इसकी वैल्यूज डालता हूँ फटाफट. स्टैंडर्ड EMF सेल, ये स्टैंडर्ड EMF जो होता है वो जीरो होता है SHE का, हमेशा याद रखिए. और ये हो जाएगा 0.059. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन कर रहा है, 2. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर जरूर लिखते हैं. तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय H प्लस, जो आपने 11th थर्मोडायनेमिक्स में QC किया था उसमें प्रेशर नहीं लिखते, बट यहाँ पे लिखेंगे. तो जस्ट लॉग, अब आपको पता है कि प्रेशर कितना होता है, 1 atm. तो यू कैन राइट इट एज माइनस 0.059 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लॉग 1 बाय H प्लस. लॉग 1 बाय H प्लस को आप क्या लिख सकते हो, लॉग 1 बाय H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, नथिंग बट इक्वल टू pH. तो यहां से आपके पास फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 pH. बस pH 10 गिवन है, हो गया कुछ. तो आंसर इज 0.591 नेगेटिव वोल्ट. क्लियर है सभी को क्वेश्चन कैसे किया हमने. तो pH का डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना. और मेरे को इसके नोट्स बना के